फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल शिक्षा सारथी। आज हम पढ़ेंगे तत्सम तद्भव शब्द। देखिए दोस्तों, कभी कभी बहुत लोगों को तत्सम और तद्भव काफ़ी टफ लगता है, बल्कि होता नहीं है। तो हम आपको इनमें से थोड़ा सा एग्जाम्पल और आपको इसे समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से टफ नहीं होता है। जो आपको लगता है कि काफ़ी टफ है, बट वो टफ नहीं है। तो यही चीज़ हम आपको इसमें समझाएंगे, बताएंगे। तो देखिए हमारे प्यारे बच्चों, सबसे हमारा चैनल जो चूँकि बच्चों के लिए है, तो बच्चों को तो समझाना थोड़ा सा इजी भी होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी कोई भी चीज़ कैच कर लेते हैं, है ना। बड़ों को समझाना बड़े ही थोड़ा मुश्किल पड़ जाए, पर हमारे बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, है ना बच्चों। तो सबसे बड़ी चीज़ की ये है कि तत्सम और तद्भव क्या होता है। देखिए तत्सम, तत्धन सम, तत्सम, है ना। देखिए स्टूडेंट्स मेरे, सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए ये है, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो आप ये जानिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। क्योंकि और क्या चीज़ है, इसका अर्थ क्या है। क्योंकि पढ़ने से, रट्टा मारने से आपके लिए फ्यूचर में वो चीज़ काम नहीं आने वाली, ये जान लीजिए। अगर आप उसको रट लेंगे और पढ़ लेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि हाँ उसका काम ख़त्म हो गया, तो फिर वो सिर्फ आपके लिए टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं हो पाएगी। कुछ दिन तक आपके दिमाग में रहेगी और उसके बाद वो ख़त्म हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको परमानेंट लर्न करना चाहते हैं, तो आप उसको समझ के पढ़िए और जानिए कि क्या चीज़ आप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और उसका सेंस क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तत् धन सम, यानी कि उसके समान। तो उसके किसके, संस्कृत भाषा। क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे पहले हमारे भारत देश की, हमारे देश की भाषा क्या थी, पहले वैदिक काल में संस्कृत थी। तो संस्कृत हमारी मुख्य भाषा रही है, तो उसी से सारे शब्द उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो संस्कृत, तो संस्कृत के थे ही। तो बात ये है कि हम यहाँ पर दो तरह के शब्द पढ़ेंगे, तत्सम और तद्भव। तत्सम वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत के थे और वो आज भी वैसे ही हिंदी में ले लिए गए हैं। जो हम हिंदी पढ़ते हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, क्योंकि वो संस्कृत से ही तो उत्पन्न हुई है ना, ये तो आप जानते हैं। तो हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत से के में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और जिनमें कुछ फेर बदलाव करके, देखिए तद्भव यानी कि संस्कृत उससे उत्पन्न, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न वे शब्द जो जिनमें संस जिन जिन जो वे शब्द जिनमें कुछ ना कुछ फेर बदलाव कर दिया गया है, जिनमें कुछ चेंजेस ला दिए गए हैं, जो संस्कृत नहीं रहे अब, वे अब हमारे हिंदी बन चुके, आम बोलचाल की भाषा बन चुके हैं, उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द, है ना बच्चों। तो आपको अच्छे से समझ में आया कि तत्सम और तद्भव क्या है। संस्कृत वाले ही शब्द तत्सम हैं, जो हमारे संस्कृत शब्द हैं, ओके। और हमारे तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के थे, बट उनको हमने अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लिया है, ओके। तो और अच्छे से समझने के लिए हम आपके लिए काफ़ी एग्जांपल्स लाए हैं, देखिए और भी हैं, तो हम इनको लिख के दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे हम तत्सम को तद्भव में और तद्भव को तत्सम में पढ़ेंगे और लिखेंगे। देखिए लिखा हुआ है, जैसे हमारा तत्सम शब्द है पादप। पादप, पादप क्या होता है, पादप होता है आपका पौधा, ठीक है, पौधा। यानी कि पहले के समय में पादप बोला जाता था पौधे को, जिसको आज हम पौधा बोलते हैं। क्योंकि पादप, कोई भी शब्द जब चलता है तो वो पहले तो इजी होता है, फिर धीरे धीरे लोगों को उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ हम इसको और इजी कैसे बना सकते हैं, जिससे कि हम और अच्छे से उसको बहुत छोटा, मतलब कि जल्दी से उसको बोल लें और अच्छा भी लगे। तो पहले हमें इसका नाम पढ़ा जाता था, इसको पादप, लेकिन अब इसको क्या बोला जाने लगा है, वो है पौधा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं आप कि चेंजेस तो हमारी प्रकृति का नियम है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हमारा नेचर हो, तो इसी तरह से वो चेंजेस होते गए हैं और वो तत्सम शब्द तद्भव में चेंज होते गए हैं, ओके। तो तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के थे और आज भी वैसे ही हिंदी में लिखे जाते हैं। तद्भव आपके वे शब्द हैं जो संस्कृत से चेंज होकर के हिंदी में आए हैं, ओके। फिर देखिए हमारा, जैसे लिखा हुआ शीर, ये शीर कौन सा है, शलजम वाला शाह है, बल्कि हम इसको पढ़ते आज क्या है, सिर। हम इसको आज क्या पढ़ेंगे, सिर। तो ये क्या है हमारा, ये तद्भव शब्द है,
कौन सा शब्द है? तद्भव। तो तत्सन था शीर और तद्भव है सिर। ओके, फिर देखिए लिखा हुआ है नृत्य। नृत्य यानी कि नाच गाने को कहते थे, उसको आज हम नाच बोलते हैं। हमारी लैंग्वेज है ना नाच गाना, लेकिन पहले के समय में नृत्य बोला जाता था। आपने अगर पुरानी पिक्चरें देखी होंगी, जैसे कि ऐतिहासिक फिल्म है, तो ऐतिहासिक पिक्चरों में आपको बताया होगा कि राज नृत्यकी हुआ करती थी, राज नृतक हुआ करते थे, यानी कि जो है हमारे राजमहल के जो राज नृतक और नृत्यकियाँ थीं, जो हमारे राजा रानी के लिए नाचते थे, उनको राज नृतक और राज नृत्यकियाँ बोला जाता था। तो नृत्य, नृत्य मीन्स नाच, जो आज के समय पर कन्वर्ट होकर के ये शब्द बना हुआ है। ओके, फिर देखिए मस्तक। मस्तक जिसे आज हम क्या बोलते हैं? माथा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? तद्भव शब्द। फिर दधि। दधि क्या है हमारा? दही। पहले के दही को क्या बोला जाता था? दधि। तो वे संस्कृत शब्द में तत्सम वे शब्द हैं जिन्हें आज भी संस्कृत नहीं बोला जाता है, मतलब कि आज भी कहीं कहीं दधि आपको हिंदी भाषा में लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि वो तत्सम शब्द है। लेकिन हम आज आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? दही। ठीक है, आपको समझ में आया तत्सम और तद्भव शब्द? और देखिए एग्जाम्पल्स जितना आप लगाएंगे बच्चों, उतना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए जितना आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छा समझ में आएगा। ओके, तो देखते हैं हम। और लिखे हुआ है पत्र। पत्र क्या है हमारा? पत्ता। पत्ता को क्या बोला जाता था? पत्र। फिर देखिए अग्नि। अग्नि को क्या कहा जाता था? अग्नि को क्या कहा जाता है आज? आग, जिसको हम क्या बोलते हैं? आग। दंड देना, किसी को दंड देना, डंडा। दंड मीन्स आज के समय पे हम क्या बोलते हैं बच्चों? आपने स्कूल में सुना होगा कि आपको दंड मिलेगा, यानी कि आपको सजा मिलेगी। लेकिन पहले के समय पे दंडा, दंडा को ही दंड कहा जाता था। ओके, फिर देखिए सर्प। तो क्या बोला जाता था पहले? सांप को, सांप को कहा जाता था सर्प। आज की भाषा में क्या है? सांप। ये हमारा तद्भव शब्द बन गया। ग्रह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या बनेगा? घर। आज हम घर को क्या बोलेंगे? घर बोलते हैं, लेकिन पहले के समय पे ग्रह बोला जाता था। फिर देखिए तत्सम शब्द हमारा है उलूक। उलूक का तद्भव क्या बनेगा? उल्लू। क्या बनेगा? उल्लू। ओके, ये हमारा तद्भव शब्द है। तत्सम यानी कि जो हमारे संस्कृत शब्द हैं, और हिंदी जो हम आज बोलते हैं वो हमारा उल्लू। उल्लू तो आप जानते हैं पक्षी होता है। फिर देखिए आम्र। आम्र क्या होता है? आप सब खाते होंगे आम। ये आपका आम्र का तद्भव शब्द है। आम्र तत्सम शब्द है और आम तद्भव शब्द है। इच्छु। इच्छु क्या है? ईख। ईख आप जानते हैं, गन्ना। फिर उष्ट्र। उष्ट्र किसको कहते हैं? ऊंट को। ऊंट को उष्ट्र कहते हैं, जो कि आज तद्भव शब्द है और तत्सम क्या है? उष्ट्र। ठीक है, आगे देखिए कपाट। कपाट को क्या कहेंगे? कपाट को कहेंगे किवाड़। देखिए आपने अपने दादी नानी के मुंह से सुना होगा किवाड़ बंद करना, सुना होगा ना किवाड़। किवाड़ बोला जाता था, और आप किवाड़, किवाड़ा, किवाड़ा के नाम से किमाड़ा शब्द बोलने लगे, और उसके बाद आज दरवाज़ा शब्द होने लगा। तो वही चीज़ें हैं, धीरे 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 शब्द वही हुए और उनमें चेंजेस आते गए, और जो चेंज आ गए पूरी तरह से, तो वे शब्द बन गए हमारे तद्भव शब्द, आज जो जिनको हम बोलते हैं, और जो पहले थे वे तत्सम शब्द हैं। ठीक है, आगे देखिए कर्पूर। कर्पूर आप सबके घरों में यूज़ होता होगा, कपूर पूजा में यूज़ किया जाता है, कपूर। कोकिल। कोकिल क्या होती है? शायद आपको नहीं मालूम होगा, कोकिल कोयल को कहा जाता है। आज हम कोयल बोलते हैं, उसी को पहले क्या बोला जाता था? कोकिल। ओके, तो हमने ये कुछ एग्जांपल्स पढ़े। आगे देखिए जिह्वा। जिह्वा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या बनेगा? जिह्वा का बनेगा जीभ। क्या होगा? जीभ। पिपासा मतलब प्यास। जब पहले के लोगों को प्यास लगती थी तो वो क्या बोलते थे? पिपासा आई है हमको, यानी कि प्यास आई है। फुफ्फुस।
फुफ्फुस क्या है हमारा? फेफड़ा। फेफड़े को पहले फुफ्फुस बोला जाता था, यानी कि हमारा तत्सम शब्द फुफ्फुस है और तद्भव क्या बन गया इसका? फेफड़ा। क्या बना बच्चों? फेफड़ा। फिर बंद, यानी कि जैसे पानी आ रहा है, पानी को रोकने के लिए क्या किया जाता था? बंद लगा जाते थे खेतों। जिनके यहाँ, जिन बच्चों के यहाँ खेती होती है, वे जानते होंगे कि खेती के लिए क्या होता है दोस्तों, जब पानी खेत में डाला जाता है तो उसके लिए क्यारियों के बांध लगाया जाता है कि यहाँ पर पानी कम आ रहा है या यहाँ ज़्यादा आ रहा है। जहाँ पर जितना जितना पानी चाहिए उतना ही बांध लगा करके बांध खोल करके पानी लगाया जाता है खेत में, तो उसको पहले बंद बोला जाता था। छोटे छोटे शब्दों में बंद बोला जाता था, लेकिन आज क्या बोलते हैं? बांध। उसी का बड़ा नाम हो गया है बांध लगाना। ठीक है, तो वही चीज़ है बांध। नदियों में भी बड़े बड़े बांध लगाए जाते हैं जिससे कि पानी का बहाव ज़्यादा ना होने पाए और नदी किनारे के इलाके ना डूबने पाए। तो वही चीज़ है, बंध से बांध बन गया, जो कि तत्सम शब्द था और आज क्या है? तद्भव शब्द है। फिर मांस। मांस क्या है? मांस नहीं है ये शब्द है स्टूडेंट्स, मास। मास क्या है? महीना। महीने को क्या बोला जाता था? मास। मास बोला जाता था, वह उसका तद्भव बन गया है महीना। ससुर। ससुर शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन ससुर जानते हैं। ससुर आपने, आप सभी ने सुना होगा या आप सभी जानते होंगे कि हमारे जो पति हैं, हमारे पति के जो है, यानी कि पति की जो पत्नी होती है, बीवी होती है उनकी, तो बीवी के जो पिताजी होते हैं उनको पति ससुर कहता है। आप सब सुनते होंगे, सब नॉर्मल से भाषा में यूज़ किए जाने वाले शब्द हैं। तो ये क्या है? ससुर का बन गया तद्भव। और आगे देखें, उच्च। उच्च मतलब ऊंचा, ऊंचा। फिर घोटक। घोटक क्या है आप नहीं जानते होंगे, घोटक घोड़े को कहा जाता था, घोड़ा। घोड़ा शब्द आपका तद्भव है और घोटक क्या है? तत्सम शब्द है जो संस्कृत का शब्द है। फिर देखिए अंध। अंध क्या है? अंधा। अंधे को ही अंध कहा जाता था, जो आज की लैंग्वेज में अंधा हो गया है, अंधा शब्द बन गया है तत्सम, अंध से अंधा बन गया। अष्ट। अष्ट आप अगर हिंदी पढ़ रहे होंगे तो हिंदी गिनतियों में आप जानते होंगे आठ को अष्ट कहा जाता है। अन्न, ये शब्द तो आप सुनते ही होंगे, अनाज। अनाज को अन्न कहा जाता है। ओके बच्चों, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। हमने पढ़ा तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं, उनका अर्थ क्या है, हमने आपको डीपली बता दिया है। और देखिए इसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े, यानी कि उदाहरण पढ़े, ये देखिए। ठीक है, तो इनको आप पढ़िएगा, लर्न करिएगा, ओके। क्योंकि बच्चों जितना आप पढ़ेंगे, जितना लर्न करेंगे, उतना ही आपको कहीं भी अगर आप तत्सम शब्दों, तत्सम से तद्भव बनाने में या तद्भव से तत्सम बनाने में आता है तो आप आराम से बना लेंगे, कहीं भी आप गलती नहीं करेंगे। ओके, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, माय स्टूडेंट्स एंड मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो आप प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपको अदर चैनल, अदर वीडियोस हमारे मिलते रहें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।